हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर स्टॉक मेड इजी। मैं हूं आशीष कुमार और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं दीपक कुमार। इन्होंने गेट 2024 में रैंक 22 हासिल किया है। इन्होंने बीटेक की पढ़ाई आईआईटी धनबाद से की है और पास आउट होने के बाद इन्होंने ईएससी प्लस गेट कोर्स इग्नू सेंटर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, साथ में टेस्ट सीरीज एंड मेंस बैच भी ज्वाइन किया हुआ था। तो सबसे पहले दीपक, वेलकम टू द स्टूडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक 22। बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि मैं क्या फॉलो करूं क्या ना करूं, तो कई सारे राइट अप्रोच होते हैं, कई सारे अप्रोच वैसे भी होते हैं जो फॉलो करना शायद उतना बेनिफिटेड ना हो। ठीक है, तो आपकी अप्रोच क्या था जब आप तैयारी कर रहे थे? तो सर, मैंने जो ऑफलाइन क्लास में जो क्लास नोट्स बनाए थे वो प्लस PYQ प्लस टेस्ट सीरीज, मैंने सर बस इतने का अपने रिसोर्स को इतने तक ही कन्फाइन रखा, बस इतने ही को अच्छे से किया। ओके, बहुत ही कंफाइंड थे आप इस रिसोर्स में और इतने ही के अंदर आप कई बार इसे रिपीट करते रहे, है ना? सो यस आप ये सर, बताइए कि जो आप नोट्स बनाते थे क्या खुद से बनाते थे? यस सर, कुछ ही सर, जो क्लास में होता था वो कुछ ही करता था सारे तो नोट्स। तो नोट्स जो क्लास में बनाते थे आप, क्या वो सफिशियंट था आपके लिए है? या फिर आपने उसको फिर शॉर्ट भी किया? क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी ट्रेंड होती है कि मैं शॉर्ट नोट भी बनाऊंगा नोट्स के साथ, चूंकि एंड टाइम पे मेंटेन करने में वो आसानी होती है, पढ़ना आसान हो जाता है। तो आपने क्या सिर्फ मेन नोट से पढ़ा या फिर शॉर्ट नोट भी बनाया था? सर सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे सर। शॉर्ट नोट्स में सर बहुत ही प्रिसाइजली बनाया था, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर्मूला थे या रूल होते थे कुछ स्टेप वो लिखा, बहुत ही कॉन्साइज वे में ही शॉर्ट नोट्स को बनाया, जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज भूलते हैं या जो एग्जाम में हमेशा आता है, तो सर उतने शॉर्ट नोट्स को बस उतने ही पॉइंट, बहुत ज्यादा उसे बड़ा नहीं किया, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसी को बनाया। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि कई बार बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि नोट्स में पढ़ रहा हूं वही काफी है, या फिर कई बार उनको लगता है कि शॉर्ट नोट बनाए तो क्या लिखें क्या ना लिखें। तो इन्होंने अभी दीपक के जरिए से एक बात मैं स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहता हूं कि आखिरकार जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट देयर। जो कंटेंट आप लिखने वाले हैं वो वैसे कंटेंट होने चाहिए, कंसाइज वे में होने चाहिए। जिस चीज को आप भूल जाते हैं, जो आसान है उसको तो लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको आप भूल सकते हो, सिर्फ उस चीज को रिटेन करने के लिए आप शॉर्ट नोट बनाते हैं। तो उस पॉइंट को मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है, जैसा दीपक ने बताया। अच्छा दीपक, एक चीज और बताइए कि आपने टेस्ट सीरीज का नाम लिया था कि टेस्ट सीरीज और PYQ आपने लगाए होंगे, यस सर, तो टेस्ट सीरीज आपको कितना हेल्प किया, क्या लगता है आपको? सर मेरे पेपर में सर बहुत सारे क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, जो अगर पहले ना किया हो तो वो एग्जाम में नहीं बनता, मतलब बहुत अच्छे जो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पेपर में आए थे इस साल, तो आफ्टरनून सेशन में। तो सर टेस्ट सीरीज का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, देखा जाए तो उससे सिली मिस्टेक भी अच्छे होते हैं, सिली मिस्टेक सुधरते हैं, सिली मिस्टेक कमते हैं, प्लस सर जो भी रिवीजन करते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में रिफ्लेक्ट करता है, आप टेस्ट सीरीज में करते हो तो सर आपका मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ मैंने ये किया सीखा, सर काम जो भी कमी है या जो भी आप जहां भी आप लैक करते हो वो टेस्ट सीरीज में पता चल जाता है। बहुत अच्छी बात है। देखो ये बहुत जरूरी होता है ये समझना कि जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आप, टेस्ट सीरीज एक्चुअली आपका एक आईना दिखाता है कि आप अभी तक कितने पानी में हैं, आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। आपके मिस्टेक को दिखाना और मिस्टेक के ऊपर वर्कआउट करने का अपॉर्चुनिटी देना वो टेस्ट सीरीज काम करता है। और डेफिनेटली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के होते हैं कि आपको डेफिनेटली काफी काफी हेल्प किया होगा। PYQ आपने लगाए थे पूरे, यस सर, पूरे ही लगाया था, क्या जर्नी के साथ जब साथ जब लगा रहे थे सब्जेक्ट या फिर बाद में लगाया जैसे आपने, जब क्या था जैसे आपका जी अप्रोच? सर क्लास में जो जो टॉपिक हो जाते थे चैप्टर हो जाते थे, तो सर चैप्टर के साथ ही PYQ लगा लेता था उसी ओके, टाइम, वेरी ऐसे एंड गुड। में फिर एग्जाम के 1 महीने पहले भी एक बार पूरे क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन थे उसको फिर से बना लिया, जो ओके, जो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लगे थे उसको हाई पहले ही मार्क करके रखा हुआ था। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। PYQ, टेस्ट सीरीज एंड शॉर्ट नोट, ये तीन ऐसे सोर्सेस हैं जो किसी भी स्टूडेंट्स को एक्चुअली एक राइट अप्रोच, एक तैयारी का एक सही रास्ता दिखाता है। तो अगर आप, आपके जरिए से मैं स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट्स आप अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं और आप इस तीन रिसोर्सेस को फॉलो करते हो, तो इससे आपको एटलीस्ट तैयारी का करेक्ट अप्रोच समझ में आ जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में कितना तैयारी करना है, किस एरिया में किस टाइप के क्वेश्चन हमें कितना सॉल्व करने हैं। इसको कंटिन्यू करते हुए एक चीज और बताइए दीपक, कि एक बड़ा कॉमन सी चीज होता है कि जब बच्चे क्लास करते हैं तो फर्स्ट हाफ तो क्लास में गुजर जाती है और क्लास के बाद
जो समय मिलता है उसमें क्या करें क्या ना करें। कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हम ये भी सॉल्व करें वो भी सॉल्व करें, ठीक है, या फिर क्लास नोट जो कर लिया वही काफी है। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं उसको उस पर्टिकुलर एरिया में? सर मैं तो सर क्लास के बाद सबसे पहले ये नोट से रिवाइज करता था, जितने भी क्लास में हुए जो भी हुए उसको रिटेन करने की कोशिश करता था रिवीजन के थ्रू। उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन, फिर PPYQ हमेशा सर ये तो डेली करता था। फिर सोने से पहले थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख लेता था जो पहले सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो सर ये हमेशा डेली मतलब ये करता था। तो डेली बेसिस पे जब आप क्लास अटेंड करके जाते थे वापस घर पे, तो उसके बाद फिर यस सर आप जो पढ़ के गए आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे डेली बेसिस पे। तो क्या आप सिर्फ वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सिर्फ वर्कबुक से लगा रहे थे उस टाइम पे, या फिर सारे रेफरेंसेस को उसी दिन फॉलो कर रहे थे? आपका अप्रोच क्या था, क्या सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप PYQ लगा रहे थे, या टॉपिक वाइज चल रहे थे डेली बेसिस पे चल रहे थे? व्हाट वाज योर अप्रोच? सर डेली बेसिस पे करता था सर, टॉपिक वाइज सर एंड में अगर किया जाए तो सर बहुत ज्यादा बर्डन टाइप हो लोड जाता पड़ था। जाता है। बहुत यस बहुत सर अच्छी बात कही आपने, बहुत वेरी ज्यादा। गुड। फिर सर तुरंत अगले दिन ही वो नए सब्जेक्ट का स्टार्ट होते थे वो भी बहुत जल्दी चलते थे, तो सर उतना टाइम नहीं मिलता कि सब्जेक्ट के बाद पूरा किया जाए। हाँ करेक्ट, एक तो रनिंग सब्जेक्ट है और पहले यस के सर सब्जेक्ट के हमें रिवाइज करने हैं, तो सर दोनों चीजें बैकलोड बहुत साथ ज्यादा में हो लेकर जाता के था। चलने के लिए आपको ये जरूरत पड़ती होगी, है ना? यस सर ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि जो रिवीजन का साइकिल चलता है, रिवीजन साइक्लिक होनी चाहिए, ये थियरीज हमेशा फॉलो करते हैं। आपने अपने टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट पढ़ के गए, थर्ड सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपने पांच सब्जेक्ट के रिवीजन का अप्रोच क्या रखा था, कैसे रिवीजन किया था आपने? सर उतना टाइम तो सर नहीं मिलता था, जब पूरे दिन क्लास चलते थे तो सर सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही देख पाता था, पूरे नोट्स तो देखना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, तो शॉर्ट नोट्स देख लेता था। और कभी कभी मन किया तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वो नोट से देख लेता था। किसी दिन तो सर जेक में क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है करने को, घर पे जाके क्वेश्चन नहीं आता था तो जो नोट्स भी कभी कभी देख लेता था। सर रिविजन तो रिवीजन कंटिन्यूअस करता ही था जो सब्जेक्ट पहले हो चुके थे। तो जब रिवीजन आप करते थे, तो रिवीजन क्या सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का करते थे, या फिर आप रिवीजन के टाइम पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते थे? सर सॉल्व तो सर कुछ नहीं कर रहा था, बस नोट से पार सारे देख लेता था उस टाइम पे। सर उतना तो टाइम मिलता नहीं था। ओके ओके ओके। सो इस पूरी जर्नी में कभी आपने ऐसा फील किया कि जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो कंसिस्टेंसी जो डेली बेसिस पे किया, क्या है कि ये जो सक्सेस होता है वो दो चीजों का मिश्रण होता है, कि एक कि हमने एक मेहनत की, हार्ड वर्क कर रहा हूं, और दूसरा कि कंसिस्टेंटली कर रहा हूं। ये दोनों चीजों में ऑफकोर्स एक जाहिर सी बात है कि आप अगर 22 रैंक लाए हैं तो दोनों चीजों में कारण आया है, हार्ड वर्क एंड प्लस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते थे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लैग होता है आज के में, जब कई बार बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, आपने इस कंसिस्टेंसी के साथ कैसे डील किया? सर मैंने सर पढ़ाई का पहले से ही प्री प्लान सारा कर लिया था कि सर पूरे वीक को हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट करता था, पहले से ही नोट डाउन कर लिया था कि इस दिन को ये सब्जेक्ट करना है। तो सर हमेशा पहले से ही प्री प्लान था कि मॉर्निंग हाफ में नोट्स रिविजन करना है, फिर आफ्टर लंच मॉक टेस्ट देने एनालिसिस करना है, फिर सर डिनर के बाद कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पार्ट टेस्ट और फिर शॉर्ट नोट्स देखना है। तो सर पहले से अगर प्री प्लान हो तो सर कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली वो करनी ही है, तो सर वो हो जाता है। क्या बात है, बहुत और अच्छी पहले बात से कही आपने। सर रूटीन बनाकर अगर पहले से पढ़ा जाए तो सर उतना सोचना नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही आपने दीपक, और आपके जरिए से मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि जो दीपक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कि अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक प्लानिंग प्रॉपरली पहले बना लीजिए, और उस प्लानिंग के बेसिस पे, डेली बेसिस पे, व्हाट इज योर प्लानिंग फॉर टुडे, व्हाट इज प्लानिंग फॉर टुमारो, इफ यू मेक अ कंप्लीट प्रॉपर प्लान फॉर एवरी डे, देन वो डिमोटिवेट का हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास इस चीज का टाइम ही नहीं कि मैं कंसिस्टेंसी अपनी लूज करूं कहीं पे। सो बहुत अच्छी बात कही दीपक। अच्छी बताइए, कभी आपको डिमोटिवेशन कहीं पे फील हुआ कि मैं तैयारी कर रहा हूं कहीं पे डिमोटिवेट हो जा रहा हूं, कभी ऐसा हुआ? ये बड़ा कॉमन सा इश्यू है किसी स्टूडेंट्स के ये प्रिपरेशन वाले टाइम पे। सर मेरे साथ तो ऐसा कभी ओकेजन आया नहीं, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी थे साथ में तैयारी करने वाले, तो वो लोग तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। प्लस सर रिवीजन कंटिन्यूअस रिवीजन प्लस कंटिन्यूअस टेस्ट दो, सर टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आ जाते थे, तो सर वैसा कुछ फील हुआ नहीं। ओके, लेकिन बहुत सर वही अच्छी दोस्त बात का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था।
ओके, देखो दीपक का जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा अलग है कि यहाँ पे उन्होंने अपने मोटिवेशन का जरिया को इतना पावरफुल बना रखा है, ठीक है, इनका इतना पावर वाला अप्रोच रहा है ना कि इसमें डीमोटिवेशन की जगह ही नहीं थी कहीं पे। दैट्स वेरी गुड टू नो दीपक, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन टॉपर स्टॉक। सो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए आपकी जो स्टोरी है वो काफी इंस्पायरिंग है, और आप 22 रैंक लाए हैं, तो आपके इस रैंक को देखकर के जो आज के एस्पिरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे, और उस स्टोरी को देखकर के वो अपने लाइफ में इसी को उतारने की कोशिश करेंगे। सो आप कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे बच्चों को? सर गेट में तो सर मेनली रैंक अगर अच्छी लानी है तो उसके लिए सिली मिस्टेक कम करनी होगी सर। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका मेडीजी का टेस्ट सीरीज है। मेडीजी का टेस्ट सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड मेडीजी के टेस्ट सीरीज से ही हो जाता है। सिली मिस्टेक भी आपके कम होते हैं, अपना सर टाइम मैनेजमेंट ये सब भी। तो सर अगर गेट में अच्छा रैंक लाना तो सर टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छे से बहुत सारे मॉक देना है। सर मैंने तो सर बहुत 24-25 से भी ज्यादा मॉक दिए थे, तो मॉक तो सर बहुत ज्यादा देने, जितने हो सके उतने दे दो, डेली दो लास्ट के 1 महीना में पहले। अच्छा, जो आपने मिस्टेक वाली बात कही है अभी दीपक, कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे मिस्टेक होता है ना, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने पढ़ा उसके बाद मिस्टेक हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन के साथ आपने कैसे हैंडल किया? मिस्टेक्स आपसे भी कई बार हुए होंगे, तो यस आपने सर। कैसे हैंडल किया? क्या सोचते थे आप उस टाइम पे? सर वो मिस्टेक को सर नोट डाउन कर लेता था कि बस नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक नहीं करने, कैलकुलेशन मिस्टेक तो मतलब जितना अच्छे से हो सके उतने एक्यूरेसी के साथ करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। तो सर हमेशा जितना अच्छे से एग्जाम दो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, जितना कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो सर मिस्टेक कमते ही जाता है। बहुत अच्छी बात कही है, वेरी गुड। अच्छा, आपने कई बार टेस्ट सीरीज का जिक्र किया है, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे थे तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज क्या आप घड़ी देख करके लगाते थे, टाइम बाउंड्री पे लगाते थे, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करते थे? व्हाट वाज योर अप्रोच? टेस्ट सीरीज तो सर और टाइम लगा के ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करता था, वही मॉक टेस्ट सर देता था। मतलब आपका अप्रोच क्या था कि मैं क्वेश्चंस जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकूं, लेकिन आपने टाइमर नहीं लगाया, आप सिर्फ सॉल्व करते थे उस टाइम पे। यस सर ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच दीपक फॉर ज्वाइनिंग अस इन स्टूडियो, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर थिंग्स, एंड ऑल द बेस्ट ईयर। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको दीपक की स्टोरी सुनकर के काफी इंस्पिरेशन मिला होगा आप सभी को। इसी तरीके से टॉपर स्टॉक में बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच दीपक, विश यू वेरी गुड थैंक यू लक। सर, थैंक यू सो मच सर।